हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और फ्रेंड्स, आज फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम में बिज़ी हूँ, क्योंकि मेरे घर पे कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। और जब कोई स्पेशल आता है तो जाहिर सी बात है कि स्पेशल बनाना पड़ता है। तो जब भी मेरे घर पे कुछ काम होता है तो मुझे एक दिन पहले ही तैयारी करनी पड़ती है, शॉपिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए मैं कल गई थी सामान वगैरह लेने के लिए। और वो वीडियो में मैंने उस सभी वीडियो बनाया है जो मैं आपके साथ में बाद में शेयर करने वाली हूँ, कि मैं कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से लेती हूँ, क्योंकि मेरे एरिया में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा दूर ही जाना पड़ता है सामान लाने के लिए। तो आज बस पकाने की तैयारी है और आप लोग के साथ में मैं शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेंगे सबसे पहले रशियन कबाब से। तो मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें मैंने एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 4-5 हरी मिर्चों को क्रश करके थोड़ा सा सौते कर लिया। उसके बाद में इसमें एक के छोटे साइज़ का गाजर और एक छोटे साइज़ की कैप्सिकम को चॉप करके उसको भी थोड़ा सा सौते कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ, श्रेड किया हुआ चिकन, जिसको कि मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन और नमक डाल के बॉईल कर लिया था, जो कि तकरीबन 150 से 200 ग्राम के करीब है। अब इसके अंदर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून गरम मसाला। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन आधा मिनट तक पका के गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बाकी का काम हम बाद में करेंगे। तो चलिए अब हम कर लेते हैं बटर चिकन की तैयारी। तो मैंने एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच भर के तेल डाला है और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल देंगे, जिसमें मैंने लिया है 2-3 दालचीनी के टुकड़े, 2-3 स्टार फूल के टुकड़े और 2 हरी इलायची ली है। इसको तेल में डाल देंगे और इसका अरोमा जैसे ही तेल में रिलीज़ हो जाएगा तो इसमें हमने जो मसाला तैयार करके रखा है वो डाल देंगे। तो जिसमें मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का प्याज, 4 टमाटर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून काजू और 3-4 हरी मिर्चों को मैंने थोड़े से बटर में अच्छे से फ्राई कर लिया और सॉफ्ट होने के बाद में उसको मैंने पीस के उसका पेस्ट बना लिया था। तो उस मसाले को हम तेल में डाल के अच्छे से भून लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम ढक्कन बंद करके इसको थोड़ी देर तक पका लेंगे और उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून भर के गरम मसाला और गरम मसाला डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका मसाला जो है एक्चुअली बहुत ज़्यादा उड़ता है, छींटे आते हैं, इसलिए मैं इसको ढक ढक के पका रही हूँ। तो ऑलरेडी वैसे तो सारी चीज़ें पकी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम ये मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है, इसका ऑयल पूरा सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ, श्रेड किया हुआ चिकन। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कटोरे से थोड़ा कम बॉईल किया हुआ चिकन लिया, जिसको मैंने अदरक लहसुन और नमक डाल के बॉईल कर लिया था, जिसके मैंने थोड़े थोड़े से बड़े पीसेज रखे हैं। तो मैंने बटर चिकन और रशियन कबाब के लिए एक साथ में चिकन बॉईल कर लिया था। तो चिकन को मैंने थोड़ी देर तक मसाले के साथ में पकाया। उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून भर के टमाटो सॉस। तो बटर चिकन में टमाटो सॉस का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और टमाटो सॉस तो बटर चिकन में डलता ही है। और इसमें हम डाल देंगे 1 पिंच रेड फूड कलर और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर आप नमक वगैरह टेस्ट कर लें, अगर कम है तो आप नमक एडजस्ट कर दें। और सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम थोड़ी देर के लिए इसको वापस से कम 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके रख देंगे। और देखिए, हमारा जो बटर चिकन है इसमें बॉईल आ चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे लास्ट में बटर और इसके अंदर अब मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भर के बटर और बटर का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाए इसके लिए हम इसका ढक्कन बंद करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद में इसका अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए मैंने यहाँ पे कोयले को गर्म कर लिया है। अब बटर चिकन के अंदर एक सिल्वर फॉइल की कटोरी बना के रख देंगे, उसमें हम रख देंगे जलता हुआ कोयला, उसमें थोड़ा सा ऑयल या बटर ऊपर से डाल देंगे और फौरन ही ढक्कन बंद कर देंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। और 5 मिनट तक इसी तरह से रहने के बाद में हम कोयला बटर चिकन में से बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद में इसमें हम डाल देंगे बहुत सारा हरा धनिया, क्योंकि बटर चिकन में बहुत सारा हरा धनिया डलता है। और यहाँ पे देखिए, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी हमारा बटर चिकन बनके तैयार हो चुका है। और बटर चिकन और रशियन कबाब में मुझे दोनों में तकरीबन 750 ग्राम के करीब मुझे चिकन लगी है। और यहाँ पर अब हम तैयारी कर लेंगे चिकन के सालन की। तो यहाँ पे मैंने एक डेगची में थोड़ा ऑयल ले लिया है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच, उसमें मैंने डाला है 2 से 3 तेज़पत्ते और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। अब इसमें मैंने डाला है 1 प्याज मीडियम साइज़ का बारीक चॉप करके, प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैं सिंपल चिकन का सालन बना रही हूँ, ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ।
और अब ये जैसे ये प्याज फ्राई हो जाएगा तो मैंने इसमें डाल दिया है एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि मैं जो आज सालन बनाने वाली हूँ तो मैं इसमें ग्रेवी सिर्फ टमाटर प्याज और धनिया से ही करने वाली हूँ। इसमें ज़्यादा कोई मैं स्पाइसेस वगैरह नहीं डालने वाली हूँ। और प्याज को अच्छे से भुनने के बाद में मैंने इसमें डाला है 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और आधा टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। और लाल मिर्च पाउडर मैं अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने वो चिकन में मैरिनेट जब किया था उस पर मैंने लगा के रख दिया है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए थे जिसको मैंने बारीक पीस लिया है और इसको हम मसाले में डाल देंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं बस प्याज टमाटर और धनिया की ही ग्रेवी बनाने वाली हूँ और टमाटर डालने के बाद में भी हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो मैंने यहाँ पे 750 ग्राम चिकन लिया था, इसमें मैंने 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च का पाउडर और तकरीबन 100 ग्राम के करीब दही मैंने डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल के इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। और चिकन को मसाले में डालने के बाद में मैंने यहाँ पे देखिए बॉल में जो मसाला लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है और सबको हम हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो चिकन को अच्छे से भूनने के बाद में मैंने इसका ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया। और मैंने जब इसको टेस्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा तीखा हो गया है और मेरे घर पे जो गेस्ट आने वाले हैं वो तीखा नहीं खाते हैं, तो मैंने इसका तीखापन कम करने के लिए 1 टीस्पून काजू को मैंने पानी डाल के पीस लिया है और उसका पेस्ट मैंने चिकन में डाल दिया है, हालाँकि मैं डालने वाली नहीं थी। और उसके बाद में हमने इसको थोड़ा सा पका लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी गर्म मसाला। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून भर के रेडीमेड वाला गरम मसाला डाला है। घर का गरम मसाला मैंने नहीं डाला क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है और मैं इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालने वाली थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा रेडीमेड वाला गरम मसाला डाल दिया है। और चिकन का पानी पूरा सूखने तक और जब तक चिकन नहीं गल जाती जब तक मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद में हम इसमें लगा देंगे ग्रेवी। तो यहाँ पे ग्रेवी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास के करीब इसमें ग्रेवी लगाई है और मेरे गले में एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, शायद से इन्फेक्शन हो गया है इसलिए मुझे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और लास्ट में मैंने इसमें डाला है थोड़ी सी कसूरी मेथी और उसके बाद में हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और उसको हम लो पे रख देंगे 5 मिनट के लिए पकने के लिए। तो इसको अब मैं दूसरे गैस पे ट्रांसफ़र कर दूँगी और यहाँ पे मैं कर लूँगी पुलाव की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे कुकर में तकरीबन 1 किलो के करीब मटन ले लिया है। अब उसकी यखनी तैयार करने के लिए मैंने इसमें डाला है 2 गिलास भर के पानी, साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक और इसमें मैंने डाला है 2-3 तेज़पत्ते, 3-4 दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 3-4 मैंने स्टार फूल के टुकड़े डाले हैं। साथ ही मैंने इसमें 1 छोटे साइज़ का प्याज है उसको भी काट के डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको रख देंगे और इसमें हम 1 सीटी आने देंगे और जैसे 1 सीटी आ जाएगी तो हम इसको सिम पे 10 मिनट तक के लिए पका लेंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कुकर में सीटी आ चुकी है तो हमने इसको दूसरे गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया है और यहाँ पे हम पुलाव का मसाला तैयार कर लेंगे। तो मैंने 1 डेगची में 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको हम फ्राई कर लेंगे और प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसमें गुलाबी कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। और जब तक प्याज फ्राई हो रही है तो हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, थोड़ा सा मैंने जायफल लिया है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ली है बादियान के फूल और 2-3 मैंने हरी इलायची ली है और इसमें मैंने 6-7 हरी मिर्ची डाल के इसको थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लिया है, बहुत बारीक नहीं करना है इसको। और यहाँ पे देखिए हमारी प्याज है वो भी फ्राई हो गई है, इसमें गुलाबी कलर आ चुका है। अब इसमें से हम थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे जिसको हम बाद में ऊपर से डालेंगे और बाकी की प्याज को मैंने साइड में कर दिया है और गैस की फ्लेम को हम एकदम स्लो कर देंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी कुछ खड़े मसाले। तो मैंने यहाँ पर 3-4 दालचीनी के टुकड़े, 8-10 काली मिर्च, 3-4 टुकड़े स्टार फूल के और 2 मैंने हरी इलायची ली है और इसमें मैंने डालना है 1/2 टीस्पून के करीब यहाँ पे शाहजीरा। तो अगर शाहजीरा नहीं है तो आप इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं। वो थोड़ा सा हम इसका अरोमा ऑयल में आने देंगे। अब इसके बाद में हम डाल देंगे इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और 1 टीस्पून हमने गोश्त को बॉईल करने के टाइम पर डाला था।
और अदरक लहसुन को हम कम से कम 1 मिनट तक भून लेंगे, और इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे मसाले जिसको हमने पीस के रखे हैं। और मसाला डालने के बाद में भी हमने इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, वरना इसकी जो खुशबू है पूरी निकल जाएगी। तो यखनी में जो धनिया और सौंफ, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और इससे ही इसमें टेस्ट आता है, तो इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और एक्चुअली मेरे को गले की वजह से बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार मुझे रुकना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए मसाला मैंने भून लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ गोश्त। तो यहाँ पे हम गोश्त का पुलाव बना रहे हैं, इसलिए हमने इसको पानी डाल के अलग से इसकी यखनी तैयार की है। अगर आप चिकन का पुलाव बना रहे हैं तो आप चिकन में सारे मसाले और धनिया और सौंफ वगैरह का जो हमने मसाला तैयार किया है, दही नमक सब आप लगा के उसको मैरिनेट करने के लिए रख दें आधे से 1 घंटे के लिए। और आप उसको फिर बाद में प्याज जैसे फ्राई हो जाती है डाल के भून लें, और उसमें पानी डाल के आप इसको फिर इसमें चावल डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गोश्त को मैंने डाल के अच्छे से भून लिया है, इसमें मैंने डाला है तकरीबन 100 ग्राम के जितना दही। हालाँकि मैंने दही को अंदाज से ही डाला है, लेकिन जितने चावल मैं बना रही हूँ, जितना गोश्त मैंने डाला उस हिसाब से 100 ग्राम दही इनफ होगा। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे नमक। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है, और 1 टीस्पून मैंने डाला था गोश्त को बॉईल करने के टाइम पे, और बाकी का नमक जब हम चावल डालेंगे उस वक्त हम देख लेंगे कि हमें जितना ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से हम डाल देंगे। और अब इसमें मैंने डाला है 1 टमाटर। तो टमाटर डालना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं हर चीज़ में टमाटर डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें टमाटर डाला है। साथ ही मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा हरा धनिया। तो इसमें आप हरा धनिया और पुदीना काट के डाल दें, बहुत से लोग हरा धनिया पीस के डालते हैं, लेकिन मैं ये काट के मिलाती हूँ। और सबको डालने के बाद में अच्छे से हम इसको भून लेंगे। और इस वक्त आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आलू नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो जो पानी गोश्त का निकला था उसके साथ ही मैंने इसमें और भी पानी मिला के इसमें मैंने डाला है 4.5 ग्लास पानी, और मैंने उस ग्लास से पानी डाला है जिससे मैं चावल लेने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे 2.5 ग्लास चावल लेने वाली हूँ, तो मैंने इसमें 4.5 ग्लास भर के पानी डाला है। और पानी डालने के बाद में मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अभी इसको फ़िलहाल मैं उठा के साइड में रख दूँगी। चावल मैं इसमें बाद में डालने वाली हूँ, जब हम खाना खाएँगे उस वक्त ही मैं इसको गर्म गर्म बनाने वाली हूँ। तो चलिए अब हम आ जाते हैं वापस रशियन कबाब की तरफ। तो जो मैंने जो गाजर कैप्सिकम और चिकन को जिसका मैंने बैटर तैयार करके रखा था, मिक्सर जो ठंडा हो गया था, उसमें मैंने 1/2 किलो आलू बॉईल करके मिला लिए हैं, और उसके अब हम कबाब बना लेंगे। तो यहाँ पे आप पहले जो है नमक टेस्ट कर लें, अगर कम ज़्यादा है तो एडजस्ट कर लें, और अगर आपका बैटर इनकेस कभी गीला हो जाता है तो आप इसमें 1 से 2 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं अपने अंदाजे से। तो यहाँ पर देखिए मैंने ओवल शेप में मीडियम साइज़ के कबाब बना लिए हैं, और मैंने सारे कबाब बना के यहाँ पर रख लिए हैं। और यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल के उसका जो बैटर है इसको पतला सा कर लिया है, वरना फिर कबाब के ऊपर बहुत मोटी सी लेयर आ जाती है, तो मैंने इसको थोड़ा सा पतला किया है। और मैंने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्ब लिया है, और कबाब को पहले हम अंडे में अच्छी तरह से डिप करेंगे, उसके बाद में हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब की बहुत अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से करने के बाद में हम सब जितने भी कबाब है उसको हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए, इससे जो है ब्रेड क्रम्ब्स पे अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो इस तरह से पहले से तैयार करके रखने से हमारा टाइम जो है काफ़ी बच जाता है, और हमें मेहमानों के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बना चुकी हूँ अभी तक। तो यहाँ पे देखिए, ये है चिकन का सालन, ये मैंने बना के रखी है, और यहाँ पर है बटर चिकन, ये है रशियन कबाब जिसको मैं बाद में फ्राई करूँगी, और उसके नीचे मैंने ये देखिए पुलाव की अखनी तैयार करके रखी हूँ, और इसको मैं बाद में चावल डालूँगी खाने के थोड़ा टाइम पहले ताकि वो गर्म रहे। और इसके अलावा कस्टर्ड मैंने ऑलरेडी बना के फ्रिज में रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। तो मैंने आपको दिखा लूँ कि मैंने क्या क्या बनाई हूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं बाद में फिर से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने कबाब को फ्राई करना शुरू कर दिया है, जिसका मैंने तैयार करके तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो ब्रेड क्रम्ब भी इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट हो गया है, और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। और इसको फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट पकी हुई हैं, तो इसको फटाफट से फ्राई हो जाते हैं। इसको हमने ब्राउन कलर आने तक, गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची कबाब बन के तैयार होते हैं, और इसका लुक मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक कटोरी में सॉस के साथ में इसको इस तरह से मैंने रख दिया है,
और फ्रेंड्स रात के 9:30 बज चुके हैं और यहाँ पे मैंने यखनी में चावल को धो के डाल दिया था और यहाँ पे हमारा पुलाव भी बनके तैयार हो चुका है। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने इसमें नमक एडजस्ट कर दिया था। लास्ट में हम यहाँ पे फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे और हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती यखनी पुलाव बनके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे सारी जो डिशेज़ हैं तैयार हो चुकी हैं और ये मेरा जो है पूरा फाइनल मेन्यू जो है वो बनके तैयार है आज के डिनर का। तो सबसे पहले मैं मेन कोर्स आपको बता देती हूँ। तो मेन कोर्स में मैंने बनाया है यहाँ पे बटर चिकन और जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है मेरे हिसाब से। तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ जो कि मेरे फैमिली स्टाइल बटर चिकन है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये सिंपल जो है यहाँ पे चिकन का सालन है, इसमें ज़्यादा कोई स्पाइसेस वगैरह नहीं डाले क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। और यहाँ पे है ये देखिए मटन का पुलाव और ये यखनी पुलाव है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये तीनों जो है मेन कोर्स में है। साथ ही मैंने बनाया है यहाँ पे रोटी और डेजर्ट में मैंने बनाया है फ्रूट कस्टर्ड और यहाँ पे जो है स्टार्टर में हमने बनाए थे रशियन कबाब। तो रशियन कबाब जो है नॉर्मली एक्चुअली इस पर सेवियाँ लगा के फ्राई किया जाता है, लेकिन सेवियाँ क्या फ्राई करने के टाइम पे पूरा छूट जाती हैं तो तेल बहुत ख़राब हो जाता था, इसके लिए मैंने इसमें बटर क्रम लगा के फ्राई की हूँ। और साथ में है सैलेड वगैरह है और ये नहीं है। तो मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे डिशेज़ मैंने पूरी एक दिन में तैयार की हूँ, तो ऐसा नहीं है, इतना सारा काम जो है मैं एक साथ में नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने जो है कस्टर्ड एक दिन पहले ही रात को बना के रख दिया था और यहाँ पे जो बटर चिकन है तो मैंने इसके चिकन को शेड करके रख दी थी एक दिन पहले ही, मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने कर दिए थे, वो मैं काम में मेरी हेल्प करवा लेते हैं। और बाकी की चीज़ें हैं जो मैंने सेम डे तैयार की हूँ। तो बस सभी गेस्ट आने वाले हैं तो मैंने खाना इसलिए थोड़ा थोड़ा सा निकाला क्योंकि अगर मैं ज़्यादा निकालूंगी तो फिर बाद में ठंडा हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही निकाली। तो फिर मैंने ये सब निकाला, मैंने भी चेंज वेंज कर ली हूँ, थोड़ा सा टचअप कर ली हूँ ताकि मैं भी थोड़ी अच्छी दिख सकूँ आप लोगों के सामने, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम बाद में डिनर के टाइम पर, अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स से देखिए गेस्ट भी आ चुके थे, काफ़ी टाइम हो गया था आके और अब डिनर का टाइम हो गया है तो हमने खाना भी सर्व कर दिया है। पुलाव मैंने फ़िलहाल नहीं निकाला क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा, तो उसको मैं लास्ट में निकालने वाली हूँ और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ में डिनर करने के लिए। और फ्रेंड्स आज के जो वीडियो है इसमें मुझसे काफ़ी मिस्टेक हो गई क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने पूरा वीडियो एक अलग फ्रेम में निकाला और दो क्लिप जो है, दो वीडियोस मैंने अलग फ्रेम में निकाले, तो मुझे उनको फिट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें आगे पीछे या ऊपर नीचे वाइट कलर का बॉर्डर आ गया है, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करिएगा। और ये वीडियो एडिट करते वक्त मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। सो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।